चल मना रे, आँख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझड़ मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। मानो मैंने नोटिस किया तुम्हारा खौफ अभी तक दूर नहीं हुआ। कोशिश कर रही हूँ मजाने, मगर तुम में वो जुरत पैदा नहीं हो रही जो मेरे खानदान की और मेरे खून की पहचान। मालकन पहले से काफी बेहतर है छोटी मालकन, एक दो हफ्ते में झिझक खत्म हो जाएगी। झिझक नहीं है, खौफ है, खौफ। मैं इसकी उम्र में घोड़े की पीठ पर पूरी रियासत का दौरा किया करती थी बगैर किसी खौफ और झिझक के। मलकन वो छोटी मलकन भी इस काबिल हो जाएंगी। तुम अंदर चलो, मानूर मैं आती हूँ। जागीर संभालने के लिए जिस हौसले की जरूरत है वो मुझे मानूर में नजर नहीं आ रही। क्या कह रही हो मलकन आप, ये तो छोटे खान जी का खून है और छोटे खान जी तो बहुत रौब और दबदबे वाले थे। हाँ, वो खुद तो रौब और दबदबे वाले थे, मगर एक गैर खानदान की लड़की से शादी करके उन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं महनूर को कभी खानदान का हिस्सा ना बनाती। अल्लाह छोटे खान जी की मगफरत करे, अगर आज वो आयात होते तो आप इतने परेशान और फिक्रमंद नहीं होते। मुझे जागीर की फिक्र नहीं है, फैक्ट्री की तरफ से बहुत परेशान। अलीद खान ने फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, मलिया मेट कर दिया है बिल्कुल। सर 5 करोड़ का माल स्टॉक में मौजूद है। क्यों, किस लिए रखा है? आप लोगों की तमाम तर तवज्जो सिर्फ प्रोडक्शन पे होती है, सेल्स के लिए क्या ऊपर से फरिश्ते नाजिल होंगे? लेकिन सर इसमें वो माल भी शामिल है जिसका ऑर्डर स्काई टेक्सटाइल ने कैंसिल कर दिया था। तो क्या हुआ, अगर एक टेक्सटाइल मिल ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी मिल्स दफन हो चुकी है? सर हम मुस्तकिल कोशिश में लगे हुए हैं, ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्टर्ब है। मुझे मार्केट के प्रॉब्लम समझाने की कोशिश मत करो, अगर मार्केट में इतने प्रॉब्लम्स थे तो खाम माल खरीदते वक्त सोचना था, क्यों खरीदा इतना माल तुमने? सर ये क्राइसिस तेल की कीमतें अचानक कम होने की वजह से पैदा। नाउ शट अप, मैंने चौधरी टेक्सटाइल से बात कर ली है, 2 लाख गांठों का ऑर्डर जो है वो खरीदने के लिए तैयार है, परचेस ऑर्डर तैयार कर दिया उन्होंने। एक्सीलेंट सर। लेकिन डील 30% कम प्राइस में हुई है। लेकिन सर 15% कम पे तो फॉरेन वाले भी उठा रहे थे ना। जानता हूं, लेकिन वो लोग 6 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, ये डील मैंने कैश में की है।
डिलीवरी के साथ ही चेक भी मिल जाएगा। सर मैं तो कहता हूँ एक दफा सोच लें, फैक्ट्री ऑलरेडी लॉस में जा रही है, 30% पर तो प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं मिलेगी। मिस्टर मैनेजर, गोदाम में अगर माल सड़ कल जाए उससे बेहतर है कि कम प्राइस में बिक जाए। सर जैसे आपका हुक्म। तुम लोग को मुराद बैठ। चौधरी टेक्सटाइल के ऑफिस चले जाओ, वहां चेक रेडी है, वो चेक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और अगर तुम भी जान के इतने ही वफादार हो तो कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। नो नो सर, जैसा आपका हुक्म, मैं चेक जमा करवाता हूँ। थैंक यू। पता नहीं इस दो नंबर दौर में इतने वफादार मुलाजम की जान को कैसे ले जाते हैं। कितना लंबा अरसा गुजर गया, कितना लंबा। अठारह साल मुजफ्फर खान, 18 साल हो गए तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से गए। साल पता ही नहीं चला वक्त गुजरता गया। और आज उसकी बेटी देखो जवान हो गई। कितने जोरावर जवान मर गए, जवान मर्द कब्रिस्तान के कब्रिस्तान मर गए, लेकिन तुम बैठे हुए हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। हाँ, खुदा की कुदरत है। चलो, अपने बेटे की शादी तो तुम देख ना सके, पोती की शादी देख लेना। पता है ना, मैं उसका रिश्ता वलीद खान के बेटे आबिद खान से कर रही हूं। हाँ, नहीं जाते ना, मैं भी नहीं जाती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी। मैं जानती हूं ये रिश्ता हमारी पोती के शायान निशान नहीं है, लेकिन मुजफ्फर खान वलीद खान का मुंह भी तो बंद करना है ना। वो समझता है कि दबाव में आकर मैं रिश्ता कर रही हूं, ये नहीं जानता कि आबिद खान दामाद बन के नहीं आ रहा इस हवेली में, वो गुलाम बन कर रहेगा, हमारे पैरों के नीचे गुलाम बन कर रहेगा। मुजफ्फर खान तुम्हें पता है ना, ना मैं किसी के आगे झुक सकती हूं, ना मैं किसी से दब सकती हूं। बस अदील आजा, चाय ठंडी हो रही है। कितनी दफा कहा है मैंने तुझसे कि सुबह जल्दी उठ जाया कर, तेरे अब्बा आज भी पता है कितनी बातें सुना कर गए। अम्मा देर से उठने का एक फायदा है, कम से कम अब्बा की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। तेरे भले के लिए ही कहते हैं ना बेटा, और फिर बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह जल्दी उठने से रिस्क में बरकत होती है, दौलतमंद हो जाता है आदमी। अगर सुबह उठने से लोग अमीर होते अम्मा, तो आज सारे अखबार वाले और दूध वाले करोड़पति होते। बुरी बात है, बुजुर्गों की बातों का मजाक नहीं उड़ाते, गुनाह होता है।
अम्मा गुनाह और सवाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक अब्बा को मुर्गे की बांक फोड़ते हुए देखा है। हमारी जिंदगी में तो कोई खुशहाली नहीं आई। तौबा कर बेटा, तौबा। इंसान को ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। इज्जत से गुजर बसर हो रही है, अपना घर है। अम्मा जिंदगी सिर्फ गुजर बसर का नाम नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। हाँ तो बेटा, अगर तूने अपने अब्बा का कारोबार में हाथ बटाया होता तो हालात अच्छे होते ना। तो बेचारों से दुकान पर बैठा भी नहीं जाता, नौकरों के हवाले करके आनी पड़ती है दुकान। बस अम्मा कुछ दिन और, फिर अब्बा को दुकान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बस रहने दे, पूरे 2 साल हो गए मुझे ये बातें सुनते हुए, आज तक एक फूटी कौड़ी तक कमा के नहीं रखी तूने मेरे हाथ पे। अम्मा हाथ क्या, पूरी झोली भर दूंगा आपकी। अच्छा फिलहाल 100-200 रुपए तो दें। क्या क्या, चला नहीं है मेरे पास पैसे। अरे गजब खुदा का, अभी 2 दिन पहले तो तुझे 500 रुपए दिए थे मैंने। अम्मा एक एक रुपए का हिसाब आप रख लें अपने पास, एक एक पाई चुका दूंगा मैं आपको। बड़ा चुका दूंगा, बस बस मैंने कह दिया नहीं है पैसे मेरे पास। क्यों, किरायेदार ने किराया नहीं दिया? दिया होगा, जाके पूछ ले अपने अब्बा से। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब दे भी देना, मुझे पता है कि सारा माल आपकी तिजोरी में जाता है, दे दें। चल ठीक है, 2 बजे रिदा को ले आना स्कूल से। अम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बाजी की नौकरी छुड़वा दें, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अच्छा है ना मसरूफ रहे, अगर नौकरी नहीं करेगी तो क्या करेगी घर में पड़ी पड़ी। पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है मेरी बच्ची को। अम्मा बाजी को किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उनको अब्बा की जिद की सजा मिल रही है। अब्बा ने जानते बूझते बाजी को अंधे कुएं में धकेल दिया। बे अयाशी कर रहे हैं अयाशी, तेरी तरह जग नहीं मार रहे। 8,000 रुपये तनख्वाह, 8,000 रुपये तनख्वाह में 8 घंटे गुलामी करके तो भाई तू कौन सा तीर मार लेगा। मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं तुझे अपने पास रख लूँगा, 15,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा मैं खुद कॉल करके आ जाऊँगा तेरे पास। और तू आंटी को बोलना कि मेरे लिए पुलाव बनाए, ठीक है? ओके बाय। बोल बच्चन किसको दे रहा है? दानिश था, 8,000 रुपए की नौकरी लगने पे इतना खुश हो रहा था जैसे बिल गेट्स बन गया। बिल गेट्स? ये कौन है? एक तो मुझे दोस्त भी ऐसे जाहिल मिले हैं ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बादशाह होगा अपने घर में। तुझे तो ठीक से चाय भी नहीं बनाना आती। और भाई जितनी पति थी उसी तरह की चाय बनेगी ना। और सुना भाभी नहीं आई? अच्छा है यार, नहीं है, रोज सुबह शाम चिख चिख से तो बेहतर है ना। अबे तूने भी तो मुँछे निकलते ही शादी कर ली, कुछ सबर करता पहले सेट हो जाता जिंदगी में। तो क्या बुढ़ापे में करता? 3-4 साल में तो कौन सा बुढ़ा हो जाता यार। मुझे तो लगता है अपने तो 15 से 20 साल बाद भी हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसी सोच रखोगे तो 100 साल तक भी हालात नहीं बदलेंगे यार। कोई रास्ता नजर भी तो नहीं आ रहा, कब तक छोटी मोटी नौकरियां करके जिंदगी गुजारा करूंगा। एक बार तगड़ी सी डकैती हो जाए फिर ठाट से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। पता है ना कितनी लंबी सजा है, रिस्क है भाई। जो इंसान रिस्क नहीं लेता ना वो पूरी जिंदगी सिसक सिसक कर जीता है, तेरी तरह। मगर यार ये गलत भी तो है। तो कौन सा काम ठीक है, ये जो जितनी बंगले हवेलियां कोठियां देख रहा है, तुझे क्या लगता है ये सब हलाल के पैसे से? गरीब आदमी के लिए रोटी नहीं, और उनके कुत्ते डबल रोटी और मक्खन खाते हैं। तेरे मेरे जैसे लड़के एमए पास डिग्रियां लेके धक्के खाते हैं, और इनके बच्चे डायरेक्ट कमिश्नर लगते हैं, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, सब चोर हैं साले। पर चोरों का पैसा चोरी करना गलत नहीं है,
क्योंकि वो हमारा पैसा, समझा? अबे तू तो संजीदा हो गया, बाकी डाका डालेगा। एक आखिरी ट्राई मारी है जॉब की, अगर नहीं लगी ना तो इसी फैक्ट्री के मालिक के घर पे हाथ साफ करेंगे दोनों भाई मिलकर। पागल हो गए? जब मेरा हुक्म था वालिद खान कि फैक्ट्री के अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी, तो ये 1.5 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी अमाउंट कैसे निकली? इसलिए बीजान कि ऐसा हुक्म जारी करने के लिए आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। मैंने तुम्हें ये फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, सिर्फ कानूनी तौर पर इसकी मैं मालिक हूँ। बीजान, आपके मुंह से इतनी छोटी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही है। ये फैक्ट्री आपने आबिद खान और मानूर को तोहफे में दी थी, हमें तो आपकी जुबान पर एतबार है, इसलिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं की। वलीद खान, तुमने गलत समझा था, वो मशरूत तोहफा है और वो भी सिर्फ आबिद खान के लिए। कमाल करती हैं आप जान, अब तहाइफ भी मशरूत होने लगे। आबिद खान कोई गैर तो नहीं है, हमारा बेटा है, एक ही बात है। नहीं, बात एक नहीं है वलीद खान, वो जो फैक्ट्री आबिद खान की अमानत है। देखो, मैंने अब तक मदाखलत नहीं की थी, लेकिन वलीद खान अब पानी सर से ऊंचा हो गया। तुम्हें पता है कि जो फैक्ट्री सालाना 150 करोड़ रुपए का मुनाफा देती थी, अब 70 करोड़ की मकरूज हो चुकी है। बीजान, फैक्ट्री में होने वाले हर अच्छे बुरे का मैं जिम्मेदार हूं। और वो दिन गए जब कॉटन फैक्ट्री करोड़ों अरबों कमाती थी। बीजान, आपको मुल्की और गैर मुल्की बिजनेस के हालात के बारे में कुछ इल्म नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है बीजान कि फैक्ट्री के मामलात में मदाखलत ना करें। अरे खान, मुझे हैरत हो रही है कि तुम मुझको इतना लाइल्म समझ रहे हो, बरसों से ये जागीर और ये सारी प्रॉपर्टी संभाल रही हूँ। मुझे फैक्ट्री को तबाही से बचाने के लिए सख्त फैसलों पे मजबूर मत करो वलीद खान। बीजान, आप बड़े से बड़ा फैसला लेने में आजाद हैं। सख्त फैसले तो आपने पहले भी लिए थे, नताइज आपके सामने हैं बीजान। वलीद खान, बहुत गुस्ताखियां बढ़ रही हैं तुम्हारी, अपनी हुदूद में रहो। ठीक कहा बीजान आपने, सबको अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। वरना हमें अच्छी तरह याद है कि फैक्ट्री आपने किस मायदे के तहत हमें दी थी, कहीं तो वो मायदा कैंसिल कर दो। इजाजत चाहता हूं बीजान। जान के भूल जाते हैं वलीद खान द गेम चेंजर। वलीद खान, तुम कहना क्या चाहते हो? ना बीजान, मेरी इतनी जरूरत कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। बीजान, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोटी छोटी ख्वाहिशात है, अब आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? तुम्हारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं वलीद खान। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से मैंने अपना जवान बेटा खो दिया, इसके बावजूद मैंने तुमको डेरे वाली जमीन दी। बीजान, सिर्फ 300 एकड़, हालांकि आपने वादा 600 एकड़ का किया था। बीजान, शुक्र करो वलीद खान, वरना इस वक्त हाशिम खान के कत्ल के जुर्म में तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। ना
ना बीजन ना, आशिफ खान की मौत एक हादसा थी, कत्ल नहीं था। कत्ल तो आप कराना चाहते थे अपनी बहू और पोती का। बीजान आपको क्या लगता है अगर मैं हाशिम खान के कत्ल के जुर्म में हवालात में होता तो क्या चुप रहता? चले मान लिया, आपकी बुजुर्गी और एहतराम में वलीद खान अपनी जुबान बंद रखता तो क्या बशीर भी खामोश रहता? बीजान कौन बशीर? बीजान आप बशीर को भूल गए? बशीर आपका पुराना मुलाजिम, कोठी का मैनेजर, आपके और मेरे तमाम राजों का हमराज, ऐनी गवाह। वो मर चुका है, तुमने मुझे यही बताया था। झूठ बोला था आपसे मैंने। बशीर मरा नहीं, जिंदा है, बल्कि महफूज जगह पर महफूज है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बशीर की बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ना ना ना, तौबा करें बीजान, तौबा करें। मैं और आपको ब्लैकमेल करूंगा बीजान? आप तो मेरी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपका साया सारी जिंदगी मेरे सर पर सलामत रहे। मैं तो बीजान सिर्फ अपना जायज हक मांग रहा हूँ, आपकी दौलत के दरिया में महज चंद कतरे। बीजान आप हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। एक कार्टन फैक्ट्री आपके लिए क्या मायने रखती है बीजान? आप इस दर्जन से कहिएगा वो काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही है, कपड़े भी वक्त पर सिलाई नहीं हो रहे। अगर इस पर मुझे कपड़े वक्त पर नहीं मिलेंगे तो मैं अम्मा जान से उसकी शिकायत करूंगी। ठीक है। छोटी मालकिन, हेलो, मेरा मतलब है सलामकुम छोटी मार्केट। तुम बाज नहीं आओगी। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? कितनी बार मना किया है कि मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती, पिटवाना है क्या बीजान से? कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कजिन हूँ तुम्हारी, मार्केट नहीं। अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं बीजान से खसूसी इजाजत ले लूंगी। क्या आपको छोटी मालकिन नहीं, आपके नाम से पुकारूं? बहुत शुक्रिया आपका, आप प्लीज चाय ले आइए। जी बैठो। कब आई थी? मुझे तो काफी देर हो गई, बीजान के पास थी। अच्छा, वैसे भी काफी दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ पेपर्स चल रहे थे ना, अभी दो दिन पहले तो खत्म हुए। शुक्र है जान छूटी। फाइनल ईयर है ना तुम्हारा? हाँ, बस दुआ करना कि नंबर्स अच्छे आ जाए, वरना मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? क्योंकि हम आपकी तरह जागीरदार नहीं है, इसलिए अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना होगा। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मा जानी इस चीज की इजाजत देंगी। वो उस वक्त देखा जाएगा। मुझे पता चला है कि आबिद हजूर आ रहे। सुना तो मैंने भी यही है, पर आपने मुझे तो नहीं बताया। किसी को भी खबर नहीं दी, लेकिन मैं तो बचपन की दोस्त हूँ, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। ये गलती जरूर हुई है मुझसे। चलो माफ किया, क्या याद करोगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों, अभी तो हमने बातें भी नहीं की, चाय पीकर जाना ना। मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे आज,
तो उसके साथ शॉपिंग पर जाना है मार्केट। तुम दोनों अकेले जाओगी? तो क्या, पूरे मोहल्ले को लेकर जाएं साथ? कितनी खुशकिस्मत हो तुम, अपनी मर्जी से जहाँ चाहो आ जा सकती हो। मुझे तो ये नेमत नसीब नहीं। आप शहजादी हैं, आप हम आम लड़कियों की तरह गलियों में बाजारों में थोड़ी जा सकती हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलती हूँ मैं बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश मैं भी एक आम लड़की होती। खुदी चाय पी रही हो, मुझे नहीं दोगी? मैंने कहा ना कि भाई के साथ काम कर लो। नहीं करना मुझे कोई काम और ना ही कोई एहसान लेना है। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? काम करोगे और पैसे लोगे। वर्कशॉप से उसका अपना घर तो चलता नहीं है, मुझे कहाँ से देगा वो? देखो एक से दो हो जाएंगे तो काम भी बढ़ जाएगा। वो तो ज्यादा काम इसलिए नहीं पकड़ता कि उसके पास कोई भरोसे का आदमी नहीं है जिसे दुकान पे छोड़ के वो जाकर मार्केट से काम ले ले। तुम्हें मसला क्या है? खर्चा मिल जाता है ना, मैं नौकरी करूं या ना करूं। लो आ गया तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, खुद भी ख्वाब देखता है और तुम्हें भी दिखाता है। अच्छा अच्छा, अब उसके सामने कोई फजूल बात ना करना। क्या फर्क पड़ता है, किसी बात का असर तो होता नहीं है उस पर। हां भाई आजा आजा। क्या हाल है? ठीक ठाक भाभी। वालेकुम सलाम भाभी। एक कप चाय का मिलेगा? कितनी बार कहा तुम्हें, जो कुछ खाना पीना होता है ना तो साथ लेकर आएगा। क्या हुआ, लगता है मेरे आने से पहले तेरी क्लास चल रही है। यार ये तो चिक चिक लगी रहती है। खैर तू बता, तूने तेरा घर अब्बे ने किराए पे दे दिया? अबे हाँ यार, समझाया भी था मत करो ऐसा, लेकिन मेरी बात सुनते ही कहाँ है। सुनी सिर्फ उसकी जाती है जिसकी जेब में नोट हो, वरना तो बीवी भी खास नहीं डालती। तभी मैंने एक फैसला कर लिया, जब मेरे पास नोट आएगा तभी शादी करूंगा। फिर तो तू रहेगा कवारा, ना तो तेरी कभी शादी होगी और ना ही तेरी जेब में नोट आएंगे। तू बहुत ही बड़ा लूजर है भाई, हमेशा मायूसी की बातें करना। फैक्ट्री बर्बादी के दहाना पर आखड़ी हुई है और रजा खान तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैडम मेरा ख्याल था कि वलीद साहब ने आपको हालात से बखबर रखा होगा। देखो वलीद मुझे बताए या ना बताए, लेकिन तुम्हें हालात से मुझे जरूर आगाह करते रहना चाहिए। मेरे पुराने वफादार मुलाजमीन में से सिर्फ तुम बाकी हो रजा खान। मैडम फैक्ट्री के बेशतर मामलात वलीद साहब ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और उनका हुक्म था कि फैक्ट्री मामलात पर उनके अलावा किसी से बात ना की जाए। तुम्हारे ख्याल में फैक्ट्री बचाने का कोई तरीका है? जी, माली मामलात पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत जल्द हम खसारे से निकल सकते हैं। मार्केट में अब भी गुडविल है हमारी, तो उसके लिए कोई तजावीज़ हैं तुम्हारे जहन में? मैडम पुराने डायरेक्टर फाइनेंस को तो वलीद साहब 6 महीने पहले ही फारग कर चुके हैं। नए डायरेक्टर जो आए हैं उनका होना और ना होना बस एक ही बात है। तमाम मामलात वलीद साहब खुद देख रहे हैं और उनके होते हुए बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं फिलहाल वलीद खान को छेड़ना नहीं चाह रही। तो फिर आप खुद अकाउंट्स कंट्रोल में ले लें, इससे बेहतरी हो सकती है। नहीं, वलीद इसको अपनी अना का मसला बना सकता है। तो फिर फैक्ट्री ज्यादा अरसा नहीं चल सकती मैडम। जिस फैक्ट्री में दिन रात 3 शिफ्टों में काम हो रहा था, अब वहां 1 शिफ्ट काम कर रही है और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन। मुलाजमीन के पिछले महीने की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। रजा खान तुम मेरे पुराने वफादार मुलाजिम हो, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हें बुलाया। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जी मैडम, आप आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नमक खाया मैंने आपका। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तनख्वाह ना मिलने पर फैक्ट्री के मुलाजमीन को हड़ताल पर आमादा करो
और वो हड़ताल जब तक बंद नहीं होगी जब तक मैं तुमको ना बताऊं। खैरियत तो है मियां, किसी गहरे गौर व फिक्र में डूबे हुए लगता है, फिर से कोई बड़ा मंसूबा परवरिश पा रहा है जहन में। जी अब्बा, मंसूबा तो बड़ा ही है। जाहिर है भाई, छोटी मोटी बातें कहाँ आती हैं आपके दिमाग में। लेकिन ये आपकी सोच बरसों से जारी है मगर नतीजा कोई नहीं निकलता। एक दिन आप अच्छी खबर भी सुनी लें। अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर की तवक्को तो हमने बरसों पहले छोड़ दी आपसे। अब तो ये दुआ करते हैं कि कहीं कोई बुरी खबर ना सुना दो हमें। क्या हो गया आपको? क्यों डांट रहे हैं मेरे बच्चे को? सुबह सुबह बरस रहे हैं उसके ऊपर। शुक्र करो बेगम, गरज रहा हूं बरस नहीं रहा, और अगर इसकी यही रविश रही तो बरसना भी शुरू कर दूंगा। क्यों दिल दुखाता है तू अपने अप्पा का? अरे थोड़ी देर के लिए चला जाया कर दुकान पे। क्या फिर वही दुकान दुकान? आपने तो चिड़ी बना दी है मेरी। ये जिसे तू चिड़ कह रहा है ना, इसी पैसे से पाला है हमने तुझे। तो आप क्या चाहती हैं? कि मेरे होने वाले बच्चे वो भी इसी दुकान के पैसों से पले, और फिर उनके बच्चों के बच्चे वो भी इसी दुकान पे परवरिश पाएं? तुझसे तो बहस करना बिल्कुल फजूल है। चल मैं नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। भूख नहीं मुझे। अच्छा सुने, वो जरा टूटे 1000 रुपये तो दे। क्या टूटे 1000 रुपये? वाह भाई वाह, मांग तो ऐसे रहा जैसे 10-20 रुपये मांग रहा हूँ। आजकल 1000 रुपए की वैल्यू क्या है? पर क्यों खत्म हो जाते हैं? हाँ बेटा, बाप की कमाई है ना, इसलिए जब खुद कमाओगे ना फिर पता चलेगा। अम्मा जब मैं खुद कमाऊंगा ना तो 1-1 रुपया सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे तौबा तौबा, सूद का नाम ना ले, खुदा का खौफ कर कुछ। चल नाश्ता बना रही हूँ मैं। क्या हुआ, क्या हो रहा है? सबर करो, अंदर नहीं जा सकते। क्यों, किसी ने बम रख दिया है? कहा ना टीचर्ट के खड़े रहो। ये क्या बदतमीजी है, क्या मसला है? छोड़ भाई, क्यों पंगा ले रहा है यार, दफा कर, 2 घंटे से खड़े हैं हम लोग। क्यों, इनके बाप की जागीर है क्या? पता नहीं कोई शहजादी आई हुई है। हटा यहाँ से, तोड़ दूंगा ज्यादा गड़बड़ की तो। शहजादी होगी अपने घर में, हम लोग इंसान नहीं है क्या? ओ क्या शोर मचा है वो, जाओ इधर से। चलो चलो इधर से। देख के तेनु अखियां चमकण, सावा कर दिया शोर, अज ते करना तकिया कोई, तेरे वर्गा होर। महल मना रहे लाख बना ले, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा
अना सब कुछ है यही रह जाना चित बना दे जीत करा दे यार मेरा साया ना झड़ मेरा मां।